गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल सौसम परिभाषा। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और अभी हमारा प्लान हुआ है बाहर जाने का। वी आर गोइंग टू साइबर सिटी अगेन। सो मेरी मम्मी आई हुई है कुछ दिनों के लिए रहने मेरे पास। सो मैंने सोचा चलो चलते हैं आज कहीं घूम के आते हैं। सो मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और मैं कहीं भी निकलती हूँ ना उससे पहले मेरा मेस क्रिएट करना जरूरी होता है। मैंने सोचा कि कबर्ड साफ कर लेती हूँ और अभी हालत दिखाती हूँ मैं रूम की। ये है मेरे कबर्ड की हालत, ऐसे सारी चीजें पड़ी हुई है और अंकुर जो है वो सो रहा है, चश्मा पहन के ही सो गया। अंकुर अच्छा सोए नहीं हो, एक्टिंग कर रहे हो, उठ जाओ रेडी होना है। रेडी हो जाओ, मैं हो जाऊंगा आराम से 5 मिनट में रेडी। मेरे पास कपड़े नहीं है अंकुर। ऐसे ही होता है, इतने कपड़े होने के बावजूद कपड़े नहीं होते। ऐसा नहीं है मेरे पास, सच में नहीं है। देखो मैंने पूरी अलमारी खोल के रख दी है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। कब चल रहे शॉपिंग के लिए? हमेशा जाते हैं फिर भी नहीं होते। सो गाइस मैं रेडी होती हूँ, इस मेस को थोड़ा क्लियर करती हूँ और बेड को भी साफ करके जाती हूँ सो दैट आके ना सोने को मिल जाए हमें। हे गाइस मैंने मेकअप कर लिया है एंड ये है कुछ मेरा लुक। मैंने बालों को उसी तरह से बांध लिया है क्योंकि आज हेड वॉश नहीं किया था। And this is the earring I'm wearing and lip shade मैं दिखाती हूँ कौन सा यूज किया है। तो ये पिक्सी का पैलेट है जो मैं यूज करती हूँ, इसमें बहुत सारे शेड्स हैं। सो मैंने ये वाला शेड यूज किया है, this one। और बालों को थोड़ा सा सेट करने के लिए ये ऑयल लगा लेती हूँ एंड दिस इज माई फुल लुक। ओ आउटफिट का तो डिटेल दिया ही नहीं। दिस कुर्ता इज फ्रॉम फैब इंडिया, आई रियली लव द बैक डिजाइन। साथ में मैंने पेयर किया है वाइड लेग जीन्स फ्रॉम मदाम। अब मैं दिखाती हूँ अंकुर का लुक। लाइट इधर आ रही है अंकुर, इधर आओ। लुकिंग नाइस। अच्छा फुटवेयर नहीं पहने अंकुर ने, घर की चप्पलों में ही है। और ये टी-शर्ट गिफ्ट किया था मेरी सासू माँ ने जमाई षष्ठी में। षष्ठी नहीं शोष्टी। एंड रूम भी हो गया है सेट, लेट्स गो। सो गाइस हियर कम्स माय ब्यूटीफुल मॉमी एंड आई आल्सो कॉल्ड अंकुर। ही वाज सेइंग, सुना आप लोगों ने, ही वाज सेइंग ऐसा लग रहा है तुम्हारे व्लॉग के लिए फैशन शो कर रहे हैं हम दोनों। नाउ लेट्स गो। हम लोग पहुंच गए थे साइबर हब एंड वी वर सर्चिंग फॉर अ गुड रेस्टोरेंट जहाँ पे सुशीज अवेलेबल हो। सो मॉम नेवर ट्राइड सुशीज इन हर लाइफ एंड आई नो शी लाइक्स टू ट्राई न्यू कुजीन। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे सुशीज ज्यादा पसंद आए नहीं थे बट आई वॉन्टेड हर टू ट्राई। सो वी वर चेकिंग आउट मेन्यूज ऑफ डिफरेंट रेस्टोरेंट्स और ऐसा रेस्टोरेंट या कैफे ढूंढना था जहाँ सिर्फ जैपनीज ही नहीं बाकी कुजीन्स भी हो सो दैट वी कैन हैव समथिंग एल्स एज वेल। ये था साइबर हब का सेकेंड फ्लोर आई थिंक। ऑनेस्टली इतना ज्यादा साइबर हब को मैंने तो एक्सप्लोर नहीं किया था पहले। जनरली मैं और अंकुर वीकेंड पे साइबर हब आते हैं तो काफी क्राउडेड रहता है बट क्योंकि था आज वीक डे सो आज साइबर हब पहचान में ही नहीं आ रहा। सो फाइनली हमें एक मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट मिल गया था, यहाँ सुशीज भी अवेलेबल थी सो वी डिसाइडेड टू गो हियर। सो हम लोग डिनर टाइम से थोड़ा पहले ही पहुंच गए थे तो कैफे काफी खाली था बट 9 बजे तक ये कैफे पूरा फिल हो गया था। सो दे हैव अ गुड रेंज ऑफ सुशीज, वेज एंड नॉन वेज दोनों में ही अच्छे खासे ऑप्शंस थे एंड आई वांटेड टू ट्राई वन ऑफ देयर प्लैटर्स। वी हैड ऑप्शन ऑफ मेडिटेरियन मेजे प्लैटर एंड अल्टीमेट डिपर प्लैटर व्हिच हैड ऑल द फ्राइड नॉन वेजिटेरियन आइटम्स। सो हियर कम्स आवर फर्स्ट डिश, वी ऑर्डर्ड दिस स्मोक्ड सैल्मन सुशी। So the pink stuff served alongside sushi is called pickled ginger or gari in Japanese. It works as a palate cleanser. The green paste that you see is wasabi. It's very spicy and should be used lightly. There was also soy sauce with sesame seeds for dipping the sushis. The salmon used in sushi was completely raw, so wasabi aids digestion and helps keep the fish safe for eating. Next we had this platter called Ultimate Dipper. It had chicken wings, chicken tikka spring rolls, zinger fried chickens and fish finger. The platter was good but only thing was it was very heavy because it contained mostly fried items. Also we had refreshing mocktails. Guys this is kind of funny, yahan pe main Ankur ko convince kar rahi thi ki mere sath ek reel banaye। आई गारंटी ये रील आपने कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे देखा ही होगा।
where the wife tries both her and husband's drink and keep the one which she likes regardless what she ordered for herself. But ये reel कभी post नहीं हुई क्योंकि आप देख ही सकते हैं हमारी वाहियात acting. I'm not blaming Ankur for this because बिचारे का खाना ठंडा हो रहा था. So हमने second take नहीं लिया but enjoyed our dinner. सच में content creator का काम आसान तो बिल्कुल नहीं है. So after having dinner, it was time for the sweet dish. So we ordered crepe for dessert. So usually हम लोग Nutella banana pancake या crepes ही try करते हैं. But here they had option of berry crepe. So I wanted to try it. They served it with whipped cream. I have to say it was a struggle to finish it. The portion size was quite large and I don't like wasting food. Ankur avoids sugary food and my mom's appetite is really low. So now you know why it was a struggle. After dinner we took a stroll and went back home. So guys, हम लोग आ चुके हैं साइबर हब से. हमारा डिनर बहुत अच्छा रहा. We had sushis. हमने खाए सैल्मन सुशीज जो कि काफ़ी अच्छे थे. मैं थोड़ी स्केप्टिकल थी बट दिस इज द सेकेंड टाइम आई वॉज ट्राइंग एंड दिस टाइम आई रियली लाइक्ड इट. सो आई थिंक फाइनली मेरा टेस्ट डेवलप हो चुका है सुशी के लिए. एंड अभी मैं जाती हूँ मेकअप वगैरह रिमूव करती हूँ और मैं जाऊँगी सोने. मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन बाय, टेक केयर. Oh, 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 oh